So this is in continuation to the yesterday's vlog, wherein I am staying at Wusa Hostel and Skara Road, Leh, Ladakh. So a very good morning, guys. Welcome back to my YouTube channel. I hope you're doing absolutely fine. Today is still 12th of July, and यहाँ पे मेरे सारे friends मस्ती कर रहे हैं इस time पे. Rishant and ये बंदे आ गए flight से अपना विलक्षण. ये Rish Rider. So TT session हो रहा है इधर, right? एंड यहाँ पे आराम से आप कैरम वैरम खेल सकते हो. प्रोजेक्टर लगा हुआ है जहाँ पे आपको डिस्प्ले, यहाँ पे इतनी बड़ी वाइट वॉल है जहाँ पे आराम से मूवीज़ देख सकते हो, मैच देख सकते हो, राइट. एंड देन यू हैव दिस एरिया. सो आई पर्सनली लाइक इट वेरी मच. आप अगर आप एक फ्रेंड सर्कल है, अगर आपका यहाँ पे अगर आप अकेले भी आते हो तो इतने सारे फ्रेंड्स बना सकते हो जिसमें आप बैठ के आराम से मूवी देख सकते हो रात को. सो इट्स अ वेरी गुड प्रॉपर्टी एंड दे क्लेम इट एज द वन ऑफ द बिगेस्ट property owned by a hostel in Leh Ladakh. Second thing, Wi-Fi connectivity. क्योंकि मैं पर्सनली यहाँ पे वर्क फ्रॉम माउंटेन्स करने वाला हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत टाइम तक रहूँगा, मोर और लेस मैं 2 वीक्स तक तो रहूँगा. तो 2 वीक्स का जो स्टे का जो मुझे कॉस्ट पड़ी थी, फॉर 13 नाइट्स इट कॉस्टेड मी अराउंड 6487 रुपीज़. तो पर डे के हिसाब से मोर और लेस कॉस्टेड मी अराउंड 450 रुपीज़ और लेस देन दैट फूड एक्सक्लूडिंग है इसमें. और मैं रुका हूँ 6 बेड की डॉर्मेट्री में. तो यहाँ पे रूम्स भी हैं वो आपको मिल सकते हैं अगर खाली होंगे ऑफ कोर्स, बट अभी यहाँ पे फुली सोल्ड आउट है, फुली बुक्ड है यहाँ पे रूम्स एंड डॉर्म्स एज वेल. एंड ये यहाँ का पार्किंग एरिया है जो यहाँ पे हमने अपने आराम से बाइक्स पार्क कर दी थी इधर यहाँ पर ही. सो दैट्स माय बाइक, दुष्यंत की, ऋषभ की. तो पार्किंग स्पेस बहुत ज़्यादा अच्छा खासा है, बहुत ज़्यादा एम्पल अमाउंट ऑफ स्पेस है आपके पार्किंग के लिए. आपकी गाड़ी वाड़ी भी आराम से आ सकती है. और बेस्ट चीज़ ये है इस लोकेशन की कि आपको आसपास जो स्टोर्स भी मिल जाएंगे, ढाबा भी मिल जाएंगे खाना पीने के लिए अगर आपको यहाँ पे नहीं खाना. बट यहाँ का फूड आउटस्टैंडिंग है, मतलब क्वालिटी बहुत अच्छी थी जब हमने खाया था रात को, इट वॉज टू गुड. एंड ये है प्रॉपर्टी, एक बार आप दूर से देख लो. वूसा हॉस्टल. वूसा मतलब, वूसा जो तिब्बतन लैंग्वेज है मुझे जो लगता है उसका मतलब होता है पीस. तो उसी हिसाब से इन्होंने मेंटेन करके रखा हुआ है. तो बाकी जो रूम्स का जो प्राइस है वो आप booking.com पे देख सकते हो. मुझे रूम्स के प्राइस का हिसाब नहीं पता, बट मुझे डॉम्स का पता था. तो यहाँ पे 6 बेड डॉम्स, 4 बेड डॉम्स, 8 बेड डॉम्स, ये सारी अवेलेबिलिटी है यहाँ पे. तो 450 रुपीज़ पर हेड का हिसाब बैठेगा. और लॉन्ग स्टे के लिए आप यहाँ पे रह सकते हो, क्योंकि जो वाईफाई कनेक्टिविटी है उसकी स्पीड अराउंड 80 Mbps है, विच इज़ रियली रियली गुड. And then this is the view from this hostel. Looks beautiful. Just look around the views. Oh man, it's mesmerizing. And ये है इसका टॉप फ्लोर जहाँ पे आप ये यहाँ पे आराम से आप बैठ के खा सकते हो, यहाँ पे बैठ के आप काम कर सकते हो, राइट. बहुत ही चिल सेशन है यहाँ पे. तो ये टॉप फ्लोर है, यहाँ पे इनका रेस्टोरेंट है इधर इस तरफ जहाँ पे आप खाना वाना ऑर्डर कर सकते हो आराम से. एंड यहाँ पे इन्होंने 2-3 टेंट्स भी प्रोवाइड कर रखे हैं, इन केस अगर पूरे रूम्स या डॉम्स अगर आपके सारी फुली बुक्ड होते हैं तो आप लोग टेंट में भी रह सकते हो. तो इस तरीके से क्राउड आ रखा है इस टाइम पे लेह लद्दाख में. Let's walk inside the dorm. Okay, so I'll straightly walk towards my bed because the entire room looks messy because last night few of the riders came in and they will take their own time to settle their things, right? So ये मेरा पूरा bed है, you can clearly see.
ठीक है, बहुत ही आलीशान बेड है एक तरीके से। मेरा यहाँ पे सामान वामान सब रखा हुआ है, लैपटॉप पे काम वाम कर रहा था मैं आराम से बैठ के यहाँ पे भी। एक लाइट है यहाँ पे, अगर आपको मान लो मेन लाइट्स अगर आपको ऑफ करनी है, यहाँ पे अपनी लाइट ऑन करके आप अपना बैठ के आराम से काम कर सकते हैं पर्दे ढक के बिल्कुल। एंड नाउ द बिगेस्ट थिंग, द स्टोरेज एरिया इज़ क्वाइट ह्यूज। तो इसमें बेसिकली अगर मैं बोलूँ, मेरे पास एटलीस्ट 3 से 4 बैग थे जब मैं दिल्ली जब मैं मनाली से ले आया था, तो सारा एकोमोडेट हो गया इसके अंदर। तो मेरे 6 बेड डॉर्म है, राइट, एंड देन दिस इज़ द एंटायर वॉशरूम, राइट। यहाँ पे एक कॉमन वॉशरूम भी है विच इज़ दिस वन। तो बेसिकली यहाँ पे वॉशरूम एंड बाथरूम दोनों है, एंड देन यहाँ पे एक बालकनी भी है विच यू कैन एफिशेंटली यूज़ इन केस इफ यू वॉन्ट टू स्मोक, राइट। सो ऑल इन ऑल इट इज़ अ वेरी वेरी गुड प्रॉपर्टी, एंड इन केस इफ यू आर प्लानिंग टू वर्क फ्रॉम लेह लद्दाख देन दिस इज़ द आइडियल प्लेस। रीजन बींग यहाँ पे डिसिप्लिन अच्छा खासा मेनटेन कर रखा है, आप किसी भी फ्लोर पर बैठ के काम कर सकते हो विदाउट एनी इशू। वाईफाई कनेक्टिविटी भी है, एंड इन केस अगर वाईफाई नहीं होता, रीचेबिलिटी नहीं है उसकी, आप अपना पोस्टपेड कनेक्शन यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे जियो का सबसे ज़्यादा अच्छा चलता है, जो भी मैंने फीडबैक सुना है। एयरटेल भी अच्छा चलता है, राइट, मैं एयरटेल ही यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही अभी तक। सेकेंड थिंग, यहाँ से मेन मार्केट जो है, लेह की मार्केट जो है, बहुत पास में है, 2 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे है। तो बेसिकली आप 7 से 8 मिनट में पहुँच सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे ग्रोसरी स्टोर्स भी हैं, ढाबाज भी हैं, खाना पीना वहाँ से भी ले सकते हो। तो ऑल इन ऑल एम्बियंस बहुत अच्छा है, बहुत कूल है यहाँ पे। तो इफ़ यू रियली लाइक दिस शॉर्ट व्लॉग ऑन भूसा होस्टल, प्लीज़ फील फ्री टू हिट द लाइक बटन, एंड इन केस यू हैवन्ट सब्सक्राइब टू द चैनल येट, प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन। दिस इज़ ट्रैवल कीड़ा साइनिंग ऑफ, बाय बाय गाइज़।